आज की हेल्दी और सुपर पौष्टिक रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लिया है एक टमाटर। ये टमाटर पूरा यूज़ नहीं करना है, हमें आधा यूज़ करना है। इस टमाटर के अपर एरिया को यानी कि टॉप के एरिया को हम निकाल देंगे और इसके बाद में इसको छोटे छोटे मतलब पतले पतले साइजेस में डिवाइडेड कर लेंगे। इसके बाद में हम इसको छोटे 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 टुकड़ों में कट करेंगे। तो इसको भी कैसे काटना है देख लीजिए। इन सबको पहले लंबाई में कट करेंगे, उसके बाद ऐसे रखने के बाद में हम इसको छोटा छोटा कट कर लेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि चॉपर नहीं है तो कैसे छोटे छोटे वेजिटेबल कट करें। तो काटने का ये बढ़िया तरीका है। इस तरीके से बहुत छोटे छोटे वेजिटेबल्स हम कट कर सकते हैं बिना चॉपर के। तो देखिए टमाटर कट के रेडी है। अब लेते हैं शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को हम आधा यूज़ करेंगे, आधा शिमला मिर्च हटा देंगे और शिमला मिर्च के बीच वाले एरिया को भी हटा देंगे। जो बीजे होते हैं वो काम के नहीं होते हैं, इनको भी हमें हटा देना है। और फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे चाहें तो इसको एक बार बीजे निकालने के बाद वॉश कर लीजिए तो बीजे अपने आप साफ़ हो जाते हैं, लेकिन हमने एक दो बार टैप कर लिया है तो बीजे हट गए हैं। अब इसको लंबे लंबे स्लाइसेस में जैसे हमने टमाटर को कट किया था वैसे ही इसको कट करेंगे और सारे ही पीसेस को एक साथ में इकट्ठा करने के बाद में छोटा छोटा सा कट कर लेना है। तो इसको एक साथ रखेंगे और ऐसे छोटा छोटा कट कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये स्लाइसेस भी कट के तैयार हो जाते हैं। तो शिमला मिर्च को काटना बहुत आसान है, इस तरीके से काटेंगे तो नो झंझट। जब भी हम चॉपिंग का प्रयोग नहीं करते हैं तब हमें लगता है कि शिमला मिर्च को काटना थोड़ा सा टफ है, हाथ में लग भी जाता है, लेकिन चॉपिंग बोर्ड पर हम ये काटेंगे तो आसानी से सारी वेजिटेबल्स कट के तैयार हो जाती हैं। शिमला मिर्च भी कट गया। अब इसके बाद में हम कट कर लेते हैं प्याज को। तो प्याज को भी पहले आधा कट करेंगे, इसके बाद में लंबे लंबे स्लाइसेस में डिवाइड करेंगे और इसके बाद में बेड़ा रख के छोटा छोटा कट कर लेंगे। तो इसे भी काटना बहुत आसान है। ध्यान रखिए यहाँ पर हम बच्चे से लेकर बड़े और हर उम्र के व्यक्ति के लिए ये पौष्टिक आहार बनाने जा रहे हैं। तो इसमें जितना ही छोटा छोटा कट करेंगे उतना ही बच्चों को खाने में आसानी होगी। तो ये रेसिपी 2 साल से लगाकर हर उम्र का व्यक्ति खा सकता है। देखते रहिएगा, बहुत ही पौष्टिक रेसिपी है और बहुत प्यारी है। ये बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक का वीडियो देखने के बाद आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि हमारी आज की रेसिपी का टारगेट बच्चे हैं, लेकिन बच्चे के साथ साथ हर उम्र के व्यक्ति और यहाँ तक के हर बीमारी के व्यक्ति के लिए ये रेसिपी बहुत बेनिफिट देने वाली है। तो हर उम्र का हर बीमारी का व्यक्ति ये रेसिपी आज की खा सकता है। इसे ध्यान से देखिएगा, बहुत बेनिफिट देने वाली है। इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, फाइबर होता है, हर प्रकार के विटामिन और प्रोटीन आज की रेसिपी में आपको मिलेंगे। फ्रेंड्स तो यहाँ पे गाजर को भी अच्छे से वॉश करने के बाद धुल लिया हमने और धुलने के बाद ग्रेट करके ले लिया है। तो सारी ही वेजिटेबल को हमने कट कर लिया है छोटे छोटे पार्टों में और सारे का सारा है। और यहाँ पे मटर भी ले ली है मैंने, क्योंकि मटर आजकल ताजी आ रही है। इसके अलावा भी आप जो वेजिटेबल चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हमने एक कुकर ले लिया है, मीडियम टू लो फ्लेम पर कुकर को चढ़ाया है। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपसे एक बात कहूँगी कि अगर आपके पास नॉनस्टिक कुकर है तो आप उसी का यूज़ कीजिएगा, एल्युमिनियम के कुकर को अवॉइड कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने एक कुकर में 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। ये सरसों का तेल डाला है मैंने, शुद्ध सरसों का जो घर का तेल होता है वही डाला है। और इसको डालने के बाद जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम डालेंगे इसमें सिर्फ एक पिंच हींग डालेंगे इसमें। और इसको डालने के बाद में थोड़ी सी हल्दी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि आजकल सर्दी है तो सर्दी में हींग और हल्दी दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद होती है। और जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएंगी तेल में तब हम डालेंगे इसमें दलिया। तो दलिया हमने आधा कप के करीब ली है और इस दलिया को 2 घंटे भिगो के लिया है, क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा भिगो के लिए। अगर आप किसी बड़े के लिए बना रहे हैं या नॉर्मल अपने लोगों के लिए बना रहे हैं तो तुरंत ही दलिया को धुल के यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए बना रहे हैं तो 2 घंटे पहले हमने भिगो दिया था। अब इसको मिला लेंगे अच्छे से, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। बहुत ज़्यादा फ्राई करने से क्या होता है, इसके पोषक तत्व तो ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। बस ऐसे दलिया डाली, हल्का सा तेल में चला लिया और इसके बाद में हमें यहाँ पे वो सारी वेजिटेबल इसमें डाल देनी है जो हमने पहले से कट करके रखी थी। तो फ्रेंड्स दलिया डालने के तुरंत बाद हमें ये सारी वेजिटेबल्स को इसमें डाल देना है। दलिया को फ्राई नहीं करना है, बहुत ज़्यादा भुनना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा भुनने से उसकी पोषकता ख़त्म हो जाती है। तो सारे वेजिटेबल को डाल देंगे, ये प्याज डाला, कैरेट डाल देंगे
और शिमला मिर्च भी डालेंगे। हमने पूरी पूरी वेजिटेबल का यूज़ नहीं किया है, थोड़े थोड़े आधी आधी वेजिटेबल का यूज़ किया है। टमाटर बड़ा था इसलिए आधा टमाटर भी ज़्यादा लग रहा है। तो ये देसी टमाटर है, इसका बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है आज की रेसिपी में। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को डाल देने के बाद एक बार चला लेंगे और देखिए वेजिटेबल के साथ में दलिया बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनने के साथ साथ में पौष्टिक भी बहुत बनती है। तो फ्रेंड्स, जो लोग कहते हैं कि दलिया में अपना कोई टेस्ट नहीं होता, बहुत अच्छी नहीं लगती है या उसे खाना अवॉइड करते हैं, तो वो लोग भी आपसे मांग मांग के दलिया खाएंगे अगर आप इस तरीके से एक बार बना के तैयार करेंगे। तो दलिया खाना सभी के लिए बहुत अच्छा होता है, इसे मॉर्निंग में खाएंगे तो भी अच्छा रहेगा और नाइट में खाएंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। इसमें बहुत सारी एनर्जी होती है, अगर सुबह खाएंगे तो बहुत सारी एनर्जी मिलेगी दिन भर के लिए। डाल देंगे इसमें पालक, आजकल बहुत सारी सब्जी आ रही है क्योंकि जाड़ा चल रहा है, तो मतलब ठंडियाँ चल रही हैं, तो बहुत सारी वेजिटेबल्स आ रही है, जितना कुछ आपको मिले सब डाल दीजिए। थोड़ी सी पालक हम इसमें डाल देंगे और पालक डालने के बाद चलाएंगे बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें आधा गिलास के करीब और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। तो आपको जिस हिसाब से थिकनेस पसंद हो उस हिसाब से पानी डालिएगा, वैसे जितनी दलिया लेंगे उसका दो गुना पानी इसमें डाल के पका लेंगे। तो एक ही विसिल लगाएंगे धीमी आंच पे, मतलब लो फ्लेम पर एक विसिल लगने के बाद ये दलिया हमारी बिल्कुल रेडी है। तो इसको हमने 2 घंटे भिगो के लिया था, बच्चों के लिए बना रहे हैं इसलिए तो एक ही विसिल में बनके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर दलिया पक के रेडी है, देखिए इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाऊँ, बिल्कुल एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप चाहें तो इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बादाम ऐड कर रहे हैं। तो बादाम को हमने कद्दूकस कर लिया है, जिससे अदरक वगैरह कद्दूकस करते हैं उससे कद्दूकस करने के बाद में डाल दिया है। तो 3 बादाम को हमने इसमें डाल दिया है क्योंकि बच्चे ऐसे खा नहीं पाते बादाम, मतलब अवॉइड करते हैं कटर कटर करके खाने को, तो अब ऐसे हम कस करके खिला सकते हैं उनको आसानी से इसके साथ में। बनके तैयार है हमारी सुपर पौष्टिक, सुपर विटामिन मिनरल्स और बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट और फाइबर के साथ में दलिया। तो इस तरीके से दलिया एक बार आप भी बना के देखिएगा और ये बच्चों को खिलाइए, बच्चे हमेशा हष्ट पुष्ट रहेंगे। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं अपने बेटे को यही दलिया बना के खिलाती हूँ और बहुत कम ही केसेस में ऐसा होता है कि वो बीमार पड़ता है, वरना तो वो हष्ट पुष्ट हमेशा कूदता फांदता रहता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से दलिया ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट करना ना भूलिएगा। इस दलिया को हम लोग भी खाकर अपना वेट लॉस कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को भी बहुत कम करती है ये दलिया। तो फ्रेंड्स, बनके तैयार है हमारी सुपर पौष्टिक दलिया। तो आज की रेसिपी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आल के बटन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो नई और यूनिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।